भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ का टीजर आ चुका है, सब कुछ मस्त था। एक्शन, म्यूजिक, वो हीरोइक एंट्री, देन बीजीएम उसके बाद, और पीछे जो बैकग्राउंड गाना चल रहा है उनका, जो बूस्ट करने वाला, भाई सब कुछ, हवा हवाई डायलॉग, ऑल आर अमेजिंग। लेकिन यार वो हिट करके नहीं गया। मतलब आपने डिसम मूवी देखी थी जॉन इब्राहम और वरुण धवन की, वो वाला वाइब मैच हो रहा है भाई। क्योंकि भाई हमने एक्शन मूवी 2023 में बहुत देखी है, एनिमल देखी, सलार देखी, लेकिन जैसे ही उनके टीजर आए थे या ट्रेलर आए थे, लाइक जवान देखी हमने भाई, टीजर आए थे एकदम से अंदर से आ रहा था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट जनरेट हो रही थी। लेकिन भाई इस टीजर को देख के वो एक्साइटमेंट जनरेट नहीं हुई। पूजा एंटरटेनमेंट इसके मेकर्स हैं, और जो गणपत वाली वाइब थी, जो गणपत में जो टीजर रिलीज करा था भाई, वही जॉन्डा, वही एक्शन जॉन्डा ये लोग मैच करते नजर आ रहे हैं। दैट्स वाई कि वो उतना रियलिटी वाला हिसाब किताब देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार ओवर एक्शन मूवी होने वाली, मतलब ओवर ड्रामा, मसाला, फिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें रियलिटी पर उतना फोकस नहीं करा जाएगा। लाइक हमने अगर ये देखा जाए तो स्पाई यूनिवर्स वाले हिसाब किताब सेट कर रहे हैं, लाइक जैसे वायर अफ ने किया गया था, टाइगर और पठान जैसी मूवी लेके आए हैं, तो वही चीज़ ये लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा रियलिटी वाला मसाला उसमें देखने को मिल रहा था, जो चीज़ वहाँ हिट कर रही थी, या फिर जो ऑडियंस पब्लिक जो टच कर रही थी टीजर को देख के या ट्रेलर को देख के या इवन मूवी को देख के, तो भाई वो वाला हिसाब किताब, वो वाली वाइब सेट ये नहीं करके गया टीजर एक बार के लिए भाई। क्योंकि एक्शन ठीक है, सब कुछ था, दमदार था, ये कार उड़ाना, वो उड़ाना, और बहुत से हीरोइक मोमेंट, लेकिन जो स्टार्टिंग विलेन से करी वो भी दमदार थी भाई। विलेन का जो पार्ट है ना, वो एक बार के लिए एक्साइटमेंट खींच रहा है, वो उत्सुकता दे के जा रहा है कि भाई ये कौन हो सकता है। क्योंकि जो स्टार्टिंग करी, देन वो संस्कृत में डायलॉग, मतलब विलेन को एकदम फाड़ एंड मैच्योर टिपिकल करेक्टर दिखाने की कोशिश करी, जो लग भी रहा है, दमदार लग रहा है। उसके सारा जो डायलॉग बाजी हुई है वो भी दमदार लग रही है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो विलेन भाई टीजर में तो फाड़ रहा है, लेकिन अगर मूवी में ये वैसे दिखा दें एकदम फुद्दू सा, लाइक हमने इंडियन पुलिस फोर्स जो भी वेब सीरीज देखी, रोहित शेट्टी की, जो इनके अंदर से भाई बॉलीवुड का वो शैतान कीड़ा नहीं निकल रहा है जो वो अपनी मूवी में अक्सर दिखाते, तो वही चीज़ भाई वैसा ही सिनेमा इसमें देखने को मिल रहा है कि यार विलेन को ऐसा फुद्दू ना दिखा दे। क्योंकि हीरोइक मोमेंट बहुत दे रखे हैं भाई अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को, एकदम दमदार, मतलब काफ़ी जो फोकस करा गया है वो उन पर किया गया है। लेकिन भाई जो डायलॉग बाजी हुई है ना अक्षय और टाइगर के द्वारा, भाई मुझे लग रहा है कि जो टाइगर का असर है ना, वो अक्षय कुमार पर भी होते नजर आ रहे हैं। क्या मतलब, क्या डायलॉग बाजी करी है यार। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मतलब वो हिट करके नहीं गया, क्योंकि एनिमल्स की अगर हम देखें तो भाई एनिमल में जो एक्शन दिखाया उन्होंने टीजर में ही, उसके बाद जो डायलॉग बाजी उसने एनिमल मूवी में ही करी थी भाई, वो गूजबम्स दे रहा था, एक बार के लिए अंदर से हिट हो रहा था, टच कर रहा था कि अब क्या होने वाला है, क्या हमें आखिर ऐसा मिलने वाला है, या फिर जो एक्सपेक्टेशन थी वो ऑटोमेटिक रीच हो रही थी कि भाई दमदार मिलेगा। लेकिन इस टीजर से भाई मुझे नहीं लग रहा कि उतना ज़्यादा मिलने वाला है। अगर इस टीजर के हिसाब से मूवी को कंपेयर करें तो मूवी उतनी ज़्यादा दमदार नहीं लग रही है कि होने वाली है। लेकिन वेट करते हैं ट्रेलर के लिए, शायद ट्रेलर में और कुछ फाड़ मिल जाए। बाकी म्यूजिक बीजीएम एज यूजुअल भाई दमदार होते ही, एक्शन मूवीज़ के भाम भूम हल्ला गुल्ला वही चीज़ चलता रहता है। डायलॉग बाजी में मैं कहूँगा एक बार के लिए ऑकवर्ड सा लगा, लाइक गणपत मूवी जो आई थी, क्योंकि पूजा एंटरटेनमेंट हाउस इनके वो हैं मेकर्स हैं, तो गणपत मूवी भी उन्होंने ही बनाई थी, तो गणपत वाला जो एक्शन और जो सिनेमाटोग्राफी उसमें दिखाने की कोशिश करी थी, वही चीज़ इसमें भी देखने को मिल रही है भाई। मैं उम्मीद करूँगा कि यार स्टोरी के साथ थोड़ा तो मज़ा आ जाए, क्योंकि एक्शन के मामले में तो लग रहा है कि थोड़ा सा फुद्दू काटते ये लोग नजर आएंगे, क्योंकि हीरोइक मोमेंट बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। उसके बाद विलेन को एकदम तुच्छा सा दिखा देंगे, पहले तो वो बहुत दमदार विलेन होगा, लेकिन जब ये दोनों उतरेंगे, क्योंकि इनके डायलॉग ही कि हम हिंदुस्तान हैं, एंड यहाँ पर यार इंडिया पाकिस्तान वाला वो सीन फिर से मत दिखा देना भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत पक गए हैं हम वही चीज़ रिपीट मोड में देख देख के। अभी फाइटर मूवी में वही होने वाला है, उससे पहले और भी मूवीज आ चुकी हर साल, मतलब कहीं ना कहीं तुम पाकिस्तान को बकरा बना ही देते हो, और वही चीज़ से बार बार अपना हाइप ले जाने की कोशिश करते हो, जो अब टच नहीं हो रहा है भाई, बिल्कुल टच नहीं हो रहा है। टीजर जितना वेट कर रहे थे, जितना कि भाई अक्षय कुमार होगा, टाइगर श्रॉफ होंगे, एक्शन के बाप हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, टीजर में उतना मज़ा नहीं आया। देखते हैं, वेट करते हैं ट्रेलर में ऐसा क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। जब तक के लिए भाई टीजर नहीं देखा तो आप भी देखो, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताया ना भाई, इधर तो टच नहीं करके गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। Oh,